तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न, या हम इन्हीं को बोल सकते हैं हैलोजन कंपाउंड्स, हैलो यौगिक। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में जो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसमें एक तो आएंगे हमारे हैलो एल्केन्स, जिसमें हम हैलो एल्केन्स होते क्या हैं, इनकी बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं और उनके रासायनिक गुण। और जो दूसरा पार्ट है वो है हैलो एरिन्स, जिसमें हम हैलो बेंजीन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो डिफाइन करें हम कि हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, हैलोजन व्युत्पन्न मींस हाइड्रोकार्बन जो होता है, चाहे वो संतृप्त हो या असंतृप्त, कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा किया जाए तो जो यौगिक बनता है या जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स, या हम इन्हीं को बोलेंगे हैलो यौगिक। बात समझ गए ना, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया जाए, चाहे वो संतृप्त हो असंतृप्त हो, उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे किया जाए बच्चों, हैलोजन जो होते हैं हैलाइड समूह मींस फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस तरह के ग्रुप अगर उसमें जोड़ दिए जाए हाइड्रोजन हटा के, तो अब जो एक क्रियात्मक यौगिक बनेगा उसे बोला गया है हैलोजन व्युत्पन्न। एक जनरल एग्जांपल से ऐसे समझे, सपोज ये हमारे पास एक एल्केन है, ठीक है, हम इसका हाइड्रोजन हटाए और उसकी जगह एक हैलोजन ला दें। अब हैलोजन हमें जो देखने होंगे वो है क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड। तो इस तरह से कोई भी हैलोजन एंटर हो जाए तो ये जो यौगिक बन गया, ये जो क्रियात्मक यौगिक बन गया, ये है हैलो एल्केन। ओके, तो इस तरह से ये है हैलो, हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन यौगिक। अब हम आते हैं प्रकार में। तो देखो बच्चों, जितने भी जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है ना, इनको डिवाइड किया गया है टू टाइप से। एक तो ले लें हम क्या, संतृप्त, ठीक है, संतृप्त, और एक आएगा हमारा असंतृप्त, सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव, संतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न, मींस इनमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, अर्थात हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, तो इन्हें बोलते हैं हैलो एल्केन भी बोला जाता है। समझ गए ना, मतलब जब हैलोजन जो है वो एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ गया हो, मींस उस हैलो एल्केन में जो कार्बन चेन है वो टोटली बिल्कुल सैचुरेट हो, संतृप्त हो, उसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, और जो हैलोजन दिख रहा है वो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे बोलते हैं संतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं हैलो एल्केन्स, या एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है, या ठीक है क्या बोलेंगे हम सिंपल नेम में, एल्किल हैलाइड। और यूनिट देखी जाए तो 60-70% पार्ट इसी को लेके दिया गया है। ओके, तो इस तरह से जैसे मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल हैलाइड है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, तो ये इस तरह से ये सब क्या है बच्चों, संतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न। इनमें एक तो होते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, जिनमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। ओके, जैसे कि CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड R3CX, मींस हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, और जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के हो सकते हैं संतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये दिखता है कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हैलो एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हमें संतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न को 3 अलग अलग प्रकारों में पढ़ना है,
इन्हीं की प्रिपरेशन, इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, अब दूसरा जो नेक्स्ट टाइप है वो है असंतृप्त हैलाइड। अब देखो बच्चों, असंतृप्त हैलाइड का मतलब है कि इन जो हैलाइड हैलोजन उत्पन्न होंगे, इनमें जो कार्बन चैन होगी, चाहे वो बलय के रूप में हो और चाहे सीधी श्रृंखला के सीधी चैन के रूप में हो, कहीं ना कहीं असंतृप्त होगी, समझ गए ना। तो उसमें डबल बॉन्ड दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। तो इस तरह के जो हाइड्रो का हैलोजन उत्पन्न है उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स, असंतृप्त हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे पहला है एलिल हैलाइड, तो एलिल ग्रुप दिखता है बच्चों। एलिल आप समझते हैं जब CH2, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, उसके पास अगर मान लो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन दिखते हैं, या हम कहें अल्फा पोजीशन में CH2 ऐसा कोई ग्रुप दिखता है, CH ग्रुप, तो वो एक एलिल ग्रुप कहलाता है। जैसे ये है ना एलिल हैलाइड, तो आप देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड है। दूसरा है बेंजिल हैलाइड, C6H5CH2, इतना जो ग्रुप है ये है बेंजिल ग्रुप। 1 डिग्री बेंजिल है, 2 डिग्री भी होता है बेंजिल, 3 डिग्री भी बेंजिल होता है, मतलब ये 1 डिग्री है। देखो 2 डिग्री अगर बेंजिल कहा जाए तो होल ट्वाइस CHCl, और 3 डिग्री बेंजिल बोला जाए तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड जोड़ लो या कोई भी हैलाइड। तो इस तरह से ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकते हैं बेंजिल ग्रुप। ऐसे एलिल भी 1 डिग्री, जैसे ये 1 डिग्री एलिल है, 2 डिग्री एलिल, 3 डिग्री एलिल, इस तरह से होते हैं। दूसरा है वेनाइलिक हैलाइड, इनमें सीधा है डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा दिखता है, अब चाहे चेन कितनी भी लंबी हो बच्चों, तो वो वेनाइलिक हैलाइड कहलाएगा, है ना। ऐसे एलिल हैलाइड में ध्यान रखें, यहाँ CH की जगह कितनी भी, मतलब CH2 एक ऐसा था कि कितनी भी लंबी चेन जोड़ दे, अगर वो इतना ग्रुप रख रहा है तो वो एलिल के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही यहाँ कितनी भी लंबी चेन हो, मतलब हम इसको ऐसे भी कहें कि RCH डबल बॉन्ड CH और X, तो भी ये क्या है बच्चों, विनाइल हैलाइड। एलिल हैलाइड है ना, जो कि हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन बलय से जुड़ा हुआ दिखेगा इस तरह से, जिसे हम बोलेंगे हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन। और जो दूसरे नंबर में डिटेल हमें पढ़नी है वो एरिल हैलाइड की ही आएगी। तो कुल मिला के इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो असंतृप्त भी हो सकते हैं। इनमें देखोगे बेंजिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, इनमें जो हैलोजन है वो सैचुरेट कार्बन से जुड़ा है, मतलब यहां पर कौन सी हाइब्रिड स्टेट है, sp3, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, sp2, और यहां पर भी क्या होगी, sp2। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस में हैलोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है विनाइल में, एरिल में, ठीक है। बाकी जो बेंजिल है, एलिल है, इनमें संतृप्त मींस sp3 हाइब्रिड कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। अब हम आते हैं इसके बाद, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का या हेलोजन डेरिवेटिव्स का। अब हम आते हैं IUPAC नेम। तो देखो बच्चों, जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये कभी सफिक्स नहीं होता, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखा जाएगा, मतलब कभी भी हेलोजन का सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, ये एल्केन के ही या एल्कीन के ही व्युत्पन्न माने जाते हैं। और अगर वो एरिल हैलाइड है तो बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाएंगे। तो अगर आप इनका IUPAC नेम लिखें तो ये ऑर्डर याद रखना है, प्रीफिक्स, आप चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो, हैलोजन ग्रुप हो, वो प्रीफिक्स पहले लिखोगे, फिर वर्ड रूट, फिर आप देखोगे कि जो मेजर कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है, वो वर्ड रूट लिखोगे। फिर देखना है आपको कि जो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है या जो भी कंपाउंड है वो सैचुरेट है, अनसैचुरेट है, क्या है, उसी हिसाब से आपको प्राइमरी सफिक्स का यूज करना है। अगर वो डबल बॉन्ड रखता है, ट्रिपल बॉन्ड रखता है, तो आपको प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन भी लिखनी होगी लोअर लोकेंड से। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यही लिखा है कि यदि असंतृप्त श्रृंखला है तो युग्म बंध की वरीयता हैलोजन से अधिक होगी। अब ध्यान रखें कि हैलोजन एक क्या है बच्चों, प्रीफिक्स, और सफिक्स तो आगे आ नहीं सकता, तो हमेशा जो वरीयता है वो हम प्राइमरी सफिक्स को देंगे,
समझ गए ना, जैसे इन है आइन है, हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। अब जैसे इसमें आ जाते हैं CH3, CH2, CH2, Cl, तो हम इसे लिखेंगे 1 chloro, और फिर 3 कार्बन है तो प्रोप, और सैचुरेट है तो लग गया N, तो गया 1 chloro propane। अब हम इसको देखें तो यहां पर देखो आप, यहां से नंबरिंग होगी जहां से हैलोजन जुड़ा है तो 1, 2 और 3, तो आपने लिखा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड है तो यहां से आ जाएगा, क्योंकि वरीयता हम डबल बॉन्ड को देंगे 2 और ये क्या है 3, तो हो जाएगा 3 chloro prop, ठीक है, यहां पर prop आएगा तो ये हो गया prop, ठीक है, और ये हो जाएगा 1-ene। क्यों ऐसा किया बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड सफिक्स है और हैलोजन प्रीफिक्स है, हमेशा ध्यान रखें पहले प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स को, फिर प्राइमरी सफिक्स को, फिर प्रीफिक्स को वरीयता दी जाती है। अब हम इसमें आ जाएं तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, हैलोजन है, तो हम डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे नंबरिंग, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने लिखा 5 chloro। अब कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो जब पेंट इसका वर्ड रूट, 1 पोजीशन में इन है ना, और 3 पोजीशन में क्या है बच्चों, आयन, तो इस तरह से इसका नेम हो जाएगा 5 chloro pent 1 ene 3 ion। अब हम इसमें आ जाए तो यहां ध्यान रखें कि आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल याद रखना है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और ये क्या होगा बच्चों 2, क्योंकि अगर आपने यहां से 1 किया क्लोरो से तो हो जाएगा 1, 2, 2, जबकि लोवेस्ट सेट बनेगा 1, 1, 2, तो इसलिए हो जाएगा 2 chloro 1, 1 dimethyl cyclobutane। ओके, मान लो हैलोजन वाले हैं तो हैलोजन में जैसे एक ही हैलोजन है तो हैलो बेंजीन लिखा जाता है, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, दो हैलोजन रिंग में है तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 bromo 2 chloro benzene, लेकिन 2 से ज्यादा हैलोजन हो या कोई भी अन्य फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो रिंग में तो ध्यान रखें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगेगा, हम बी से नंबर वन नहीं करेंगे, हम या तो एफ से करेंगे आयो से, तो F फ्लोरो और ये है आयोडो, तो पहले क्या आ जाएगा फ्लोरो, तो 1, 2, 3 तो लिखा जाएगा, बाकी लिखेंगे अल्फाबेटिकली तो हो जाएगा 2 bromo 1 fluoro 3 iodo benzene, ऐसे ये है 2 bromo, ठीक है, यहां से ऐसे नंबरिंग चलेंगे, और 6 nitro anisole, क्योंकि ये anisole है अपने आप में एक ही एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, इसलिए इसे हम ऐसा लिखेंगे, और अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाएं तो हो जाएगा 1 bromo 2, अच्छा यहाँ का मिथॉक्सी ग्रुप है, ब्रोमो है और NO2 है, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए किसी को वरीयता नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर बल अल्फाबेटिकली कर दे तो 1 bromo है ना, और मिथॉक्सी और नाइट्रो में तो नाइट्रो आ जाएगा, फिर मिथॉक्सी की पोजीशन देख के और बेंजीन लिख सकते हैं, लेकिन यही इसका IUPAC ने एक्सेप्ट, ये भी होगा ऐसा नहीं, वो नहीं होगा, वो भी एक्सेप्ट किया गया है। अब इसमें आ जाए, अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये जो है बेंजीन है और साइड चेन में क्लोरो है, क्योंकि क्लोरो तो एक प्रतिस्थापी ही है, तो हम यहां पर देखेंगे तो ये जैसे एक प्रतिस्थापी ये हो गया हमारा और एक प्रतिस्थापी ये हो गया, तो हम इसमें यहां पर देखो यहां लिखा है यहां से लेंगे मिथॉय, ठीक है, क्लोरो मिथाइल, तो ये क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और ये 2,2-dimethyl है ना, तो ये 2,2-dimethyl से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2,2-dimethyl और 1 chloro, तो ये गलत लिखा है, हम इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है, तो ये स्टार्ट नाम यहां से माना जाएगा डाइमिथाइल इथाइल और ये है क्लोरोमिथाइल, तो डी और सी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, अच्छा हाँ सही लिखा है, तो यहां पर पहले सी मतलब क्लोरो, तो 1, 2 और 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो जाएगा 1 ये हो गया और यहां लगा देंगे 3, 3 ये बताता है लुकेंट को, और ब्रैकेट के अंदर एल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम कर दिया गया है ये वाला जो है ऐसे, तो ये हो जाएगा 2,2-dimethyl propyl, ठीक है, फिर है ये है और एक ये लिख दिया बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि इतना ये बेंजाइल ग्रुप भी है, तो एक तो नेम ये हो गया, ठीक है, और एक और नेम हो जाएगा 1 chloro methyl 3,2,2-dimethyl benzene, तो इस तरह से एक जो इस तरह के कुछ कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम ही सिलेक्ट कर लिए गए हैं IUPAC को, अगर वो लिखे हैं तो वो भी सही है,
और नहीं आ रहे हैं तो फिर आप किसी रूल्स लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एनी सोल वाले का भी आप कर सकते हैं, मिथॉक्सी को एक डेरिवेटिव मान के, ठीक है, मतलब एक व्युत्पन्न मान के, तो इस तरह से प्रतिस्थापी मान के आप उनके नाम कर सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है, तो हो गया आईपीसी नया। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेचर ऑफ सी एक्स देन। सी एक्स बंध की प्रकृति के बारे में, तो देखो बच्चों, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील यौगिक है, मतलब इनको हम बना के लंबे समय तक नहीं रख सकते। आप लैब में देखोगे कभी एथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड इस तरह का कंपाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सी एक्स बॉन्ड है ये पोलर नेचर का होता है, मींस इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और हैलोजन की ज्यादा है, तो सी एक्स बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। जैसे यहां पर हम देखें तो इस तरह से सी एक्स बॉन्ड जो है पोलर ध्रुवीय बंध है, इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है और हैलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जरा सा कोई रिएजेंट मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर पास आ जाए तो ये तुरंत हैलोजन को हटा के और न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाते हैं। तो यही लिखा है कि कार्बन तथा हैलोजन परमाणु के ऋण विद्युता में अंतर के कारण, ऋण विद्युताओं में, ठीक है, अंतर के कारण ऋण विद्युताओं में अंतर के कारण सी एक्स बंध पोलर ध्रुवीय होता है, इस तरह से सी एक्स बॉन्ड ध्रुवीय है, ठीक है। अगर हम इनके, चूंकि बॉन्ड पोलर है ध्रुवी है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, तो अगर हम इनके द्विध्रुव आघूर्ण को देखें, जो वैल्यू दी गई है, आप देख रहे हैं सी एफ जितना पोलर बॉन्ड उतना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये रूल तब लगता है जबकि हैलोजन के साइज में कोई ज्यादा अंतर ना होता, एक चीज। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ देखो एक्चुअल में ऑर्डर जो होना चाहिए था थोड़ा सा एक्सेप्शन दिख रहा है, सी एफ में 1.8 को है, सी सी एल 1.86 है। रीजन क्या है, डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू आर, दो के प्रोडक्ट पर निर्भर कर रहा है, क्यू का भी और आर, तो क्यू तो हो गया चार्ज ऑफ टर्मिनल और आर है बॉन्ड लेंथ। अब क्या होता है कि सी सी एफ और सी सी एल में सी एफ बॉन्ड में क्यू तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है सी एफ। अब जब पोलारिटी बहुत ज्यादा होगी तो बंध लंबाई एकदम घट जाती है बच्चों, एक तो फ्लोरीन वैसे भी ऑलरेडी छोटा है, दूसरा है कि बंध बहुत ज्यादा पोलर हो जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आता है, और ऐसे में जो क्यू इंटू आर है सी एफ का वो प्रोडक्ट सी इंटू सी एल के प्रोडक्ट से कम हो जाता है। सी सी एल में क्यू छोटा है भले कम है, लेकिन R काफी बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा पोलर नहीं है, तो ऐसे में Q into R का प्रोडक्ट CCl के लिए ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण ही ऐसा एक्सेप्शन दिखता है कि इसका 1.8 को 1.86 के लगातार डिक्रीज हुआ है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि CF बॉन्ड कम क्यों है, इट इज ड्यू टू हाई पोलर नेचर एंड लोअर एकर बॉन्ड लेंथ, लेकिन CL में बॉन्ड लेंथ भी इफेक्टिव है, पोलर नेचर कम है, जिसके कारण ये Q into R का प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। CX बंध लंबाई तो ये तो लगातार ही ऑर्बिट तक बढ़ेगी, क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, पोलैरिटी कम हो रही है, तो इस तरह से यही रीजन है कि हम अगर ऑर्बिट तक चले तो बॉन्ड लेंथ लगातार बढ़ रही है। बंध ऊर्जा, तो देखो बच्चों, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, और यही रीजन है कि CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है 5.42। और आप देखो कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, टेफ्लॉन, ये बहुत ही थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए फ्लोराइड्स जो देखोगे हम, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम फ्लोराइड लगभग ना के बराबर ही देखेंगे। फ्लोराइड नॉर्मली कोई वैसी रिएक्शंस नहीं देता जैसा क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। बंध की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे कम क्रियाशील बॉन्ड है CF, देखा होगा, फ्लोराइड्स के बारे में ज्यादा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलर और सबसे हाई बॉन्ड एनर्जी वाला बॉन्ड होता है, जबकि सबसे क्रियाशील बॉन्ड है Ci। ओके, तो इस तरह से ये जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर पूछी जाती है, तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बाद है हेलो एल्केन्स के पर्टिकुलर, इसके बनाने की विधि है बच्चों ये हेलो एल्केन्स, क्योंकि ये चैप्टर हेलो एल्केन्स का है मेनली,
तो हमें हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं तो उनको डिस्कस करना है। तो देखो बच्चों, बहुत सारी रिएक्शंस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला है एल्केन से, अपन ने पढ़ा है कि जब एल्केन का प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करते हैं तो एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है, हाइड्रोजन हटते हैं और उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं, हैलोजन। तो एल्केन से बनाए गए हैं कि एल्केन के में मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड बनते हैं। अगर आपने एल्केन अधिक में लिया है तो मोनो हैलो एल्केन मुख्य उत्पाद बनता है हैलोजनीकरण में, ठीक है। और अगर मान लिया जाए आपने हैलोजन को अधिक में लिया है तो ध्यान रखें पॉली हैलो एल्केन मुख्य उत्पाद बनते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास हैलोजन ज्यादा है तो वह एल्केन के ज्यादा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन जब हैलोजन ही कम है तो वो कम कर पाते हैं। और यही रीजन है कि एल्केन अधिक में लिया जाता है तो मुख्य रूप से मोनो हैल्केन बनते हैं, और जब हम क्या ले लेते हैं, हैलोजन अधिक में लेते हैं तो पॉली हैलो एल्केन बनते हैं। जैसे CH4 अधिक में लिया जाए तो बनेगा मुख्य उत्पाद CH3Cl, लेकिन अगर हम क्लोरीन लगातार बढ़ाते जाए तो सीधा सीधा है कि जो CH4 की हाइड्रोजन है वो लगातार सब्स्टिट्यूटेड होते जाएंगे और फाइनली हमें मिल जाएगा CCl4 मुख्य उत्पाद। तो एक तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, एक चीज। दूसरा, मैंने आपको एल्केन में ये पूरा डिटेल में बताया है कि अगर हमें कोई एल्केन दे रखा है और अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं कि इसमें कितने एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बन सकते हैं, तो ध्यान रखें कि एकल प्रतिस्थापी उत्पाद की संख्या निकालनी है तो आप उसमें तुल्य हाइड्रोजन समुच्चय की संख्या देखें, तुल्य इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट। जैसे आप प्रोपेन में चले जाए तो प्रोपेन में आप देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन है, एक ये टर्मिनल वाले 2 CH3 के एक से नीचे के होंगे और एक बीच वाला CH2, इसीलिए प्रोपेन के दो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। अगर हम ब्यूटेन में चले जाए तो इसमें भी दो ही प्रकार के हाइड्रोजन है, एक तो 1 डिग्री वाले दोनों टर्मिनल के मिथाइल के और ये 2 डिग्री वाले 2 CH2 CH2, इसलिए इसके भी दो ही उत्पाद पॉसिबल है। हम पेंटेन में चले जाएं तो पेंटेन में आप देखोगे कि आपको 3 प्रकार के हाइड्रोजन दिखेंगे, टर्मिनल के ये वाले, फिर उसके बाद 2 डिग्री ये CH2 और एक बीच वाला। तो कुल मिला के इसके 3 उत्पाद बनेंगे नॉर्मल हेलो एल्केन, नॉर्मल हेलो नहीं सॉरी नॉर्मल पेंटेन के। आइसो पेंटेन में आपको 4 प्रकार के हाइड्रोजन मिलेंगे, देखो ये दोनों एक से है, ये वाला अपने आप में अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरह से हमें ये 4 उत्पाद मिलेंगे। और अगर नियो पेंटेन दे दिया जाए तो 1 उत्पाद बनेगा। ऐसे इसका कहा जाता है कि मान लिया जाए कि आपको ये दिया गया है तो कितने उत्पाद बनेंगे, देखो बच्चे इसमें तो ये चारों एक से नहीं चलते हैं और ये 2 अलग है तो इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसके पूछे जाए कितने बनेंगे तो 1 ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सारे किसी भी कार्बन से आप एक हैलोजन जोड़ दो, चार टर्मिनल अब मान लो डाई प्रोडक्ट पूछ लिया है तो प्रोपेन में देखो कितने हो सकते हैं, 1 2 पोजीशन में, 1 3 पोजीशन में, ठीक है, और 2 2 पोजीशन में, ऐसे से तीन। हालांकि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है बहुत सारे, जितने ज्यादा मैक्सिमम कार्बन होंगे उतने ही प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया जाता, आता है मोनो वाले में, है ना, कि मोनो हैलो एल्केन कितने पॉसिबल। और इसकी बाकी डिटेल परसेंटेज निकालना, इसकी मैकेनिज्म निकालना, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी निकालना, रिजो सेलेक्टिविटी, आप इसको एल्केन में जाएं और वहां देखें, मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरह से समझाया, ठीक है, ज्यादा ज्यादा डिटेल मैंने नहीं। अब हम आते हैं एल्कीन से, ये भी हमने रिएक्शन पढ़ ली है एल्कीन में, जिसमें मोनोटोनिक ऑफ रूल, एंटी मोनोटोनिक ऑफ रूल सभी लगते हैं। तो एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है, आप हैलोजन का यूज करोगे तो हाइड्रोजन और हैलोजन उस दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड हो जाते हैं और आपको मिलते हैं एल्काइल हैलाइड। तो मार्कोनी कॉग नियम से ये, या
ठीक है, बने कार्बो कैटायन के स्थायित्व के आधार पर हैलोजन युग्म होता है। ध्यान रखें कि या तो मार्कोनिकोव नियम लगाओगे या बने हुए कार्बो कैटायन के स्थायित्व के आधार पर आपको हैलोजन अम्ल का योग या हैलोजन का योग दिखाना है। देखो जैसे ये एल्कीन है तो यहां पर मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो H जुड़ जाएगा CH2 में, डबली बॉन्डेड CH2 में, और Br जुड़ जाएगा डबली बॉन्डेड CH में, और इस तरह से ये मुख्य उत्पाद बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक इसी तरह से HBr का इसमें एडिशन कराएं तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों CH1 से नेचर के हैं, ठीक है, तो यहां पर HBr का एडिशन कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। यहां जो कार्बो कैटाइन बनेगा वो बेंजाइल कार्बो कैटाइन होगा, और जबकि यहां जो बनेगा कार्बो कैटाइन CH3 के साथ तो ये 2° कार्बो कैटाइन होगा। अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 3 है, लेकिन बेंजाइल कार्बो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है और इसलिए कार्बो कैटाइन के स्थायित्व के आधार पर ये प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर हम इस वाले में चले जाएं तो यहां पर रूल के अनुसार CH में Br जुड़ा होना चाहिए था, CH2 में H, लेकिन आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ये है। इसका रीजन है हाइड्राइड, ठीक है, माइग्रेशन, हाइड्राइड विस्थापन, क्योंकि जैसे ही CH में इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन जो है यहां से जो है माइग्रेट कर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे, और इस तरह से Br आपके टर्शरी कार्बन से जुड़ेगा। ठीक इसी तरह इसमें चले जाए तो ये रिंग विस्तार वाली अभिक्रिया है ना, जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इधर माइग्रेट करेगा और फिर हैलोजन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये कार्बो कैटाइन के निर्माण के साथ चलती हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, इसलिए वो सारे रूल लगेंगे प्रोडक्ट बनने में जो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स के बारे में पढ़े हैं। मतलब मार्कोनिकोव रूल लग सकता है, हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकता है, कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर एडिशन होगा, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होंगी, तब आप एडिशन या एल्किल हैलाइड कौन सा मुख्य बनेगा वो बन जाएगा आपसे। हम जानते हैं कि अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग होता है तो एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता है, जैसे कि HBr का एडिशन हम इसमें कराएं तो ये मुख्य उत्पाद बन रहा है, डबली बॉन्डेड CH2 से Br जुड़ा दिख रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें देखें हम HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी आप HCH CH CH3, ये दो उत्पाद पॉसिबल है, C6H5 एक यहां पर Br, ठीक है, और CH और 2, और ये क्या बनेगा बच्चों CH3। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि फ्री रेडिकल कहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है। पहले इसमें Br अटैक करता है तो ये फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल में अगर Br यहां जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा, अगर यहां जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां है, तो यहां पर ध्यान रखें पहले Br अटैक करता है इसलिए यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों मुख्य उत्पाद, क्योंकि Br पहले अटैक करेगा तो ये बेंजाइल कार्बो कैटायन बनेगा। अगर सोचो आप यहां पर Br पहले अटैक करेगा तो CH2 वाला बनेगा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और इसलिए ये मुख्य उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमें क्या करना है जो है यहां तक आज मैं बता देता हूं, बाकी आगे की रिएक्शंस हम अल्कोहल से डार्जन रिएक्शन, फिंकरस्टीन, स्वार्ट रिएक्शन, हुजडी का रिएक्शन, ये सब हम आगे इसी में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।